हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर मेरा फिफ्थ है, इज द फंक्शन एफ डिफाइन बाय एफ एक्स दिस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2। हमें इन तीनों पॉइंट पे इस पे और इस पे चेक करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले हम चेक करेंगे एट मतलब सबसे पहले हम 0 पर चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एट एट एक्स इक्वल टू 0। देखिए जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स जब यहाँ 1 से छोटा है और 1 के इक्वल है तब मेरे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। और एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 0। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए फंक्शन की वैल्यू तो यहाँ से निकल गई। ठीक, अब यहाँ से अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स टेंस टू 0, 0 से थोड़ी सी छोटी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट और यहाँ पे हो जाएगा एक्स टेंस टू 0, वो 0 से थोड़ी सी छोटी और यहाँ पे एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे है 0, मतलब एक्स क्या है, एक्स मेरा यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, फिर यहाँ पे एक्स क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 0, 0 से थोड़ी सी छोटी, 0 से थोड़ी सी, 0 से थोड़ी सी छोटी। तो 0 से थोड़ी छोटी के लिए हम यहाँ पे एच लेके बाकी क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं, वैसे इसमें भी हम एच लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एच जो है एच टेंस टू 0, एच मेरा क्या है, वो 0 है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0 और यहाँ पे एच लिख देंगे, जो एच है एच मेरा क्या है, 0 है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं, एच मेरा 0 है। ठीक, तो यहाँ पे एच लिख दिए इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरा आगे क्या हो जाएगा, अब देखिए आगे मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आगे हो जाएगा, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए लिमिट यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक, और एज क्या है मेरा 0। ठीक, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 0 से थोड़ी सी बड़ी। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिमिट और यहाँ पे एक्स। ठीक है, एक्स क्या है मेरा, एक्स टेंस टू 0, 0 से थोड़ी सी बड़ी। तो यहाँ पे बस यहाँ पे हो जाएगा 0, एक्स की जगह हम यहाँ पे 0 रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 0 से थोड़ी सी बड़ी के लिए हम क्या लिए हैं, 0 से थोड़ी बड़ी के लिए हम बाकी क्वेश्चन में भी एच लिए हैं, तो यहाँ पे भी एच ले लेंगे। ठीक है, और एच मेरा क्या है, एच मेरा यहाँ पे है लिमिट एच टेंस टू, एच मेरा 0 है। ठीक है, तो एच टेंस टू 0। ठीक, तो यहाँ पे एच टेंस टू 0 हो गया। तो बाकी जैसे इसमें किया है वैसे इसमें भी कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 में प्लस करेंगे 0 तो मेरे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू 0 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई है, राइट हैंड लिमिट 0 आई है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये मेरा कंटिन्यूअस है। तो एफ फंक्शन कंटिन्यूअस, यहाँ पे लिख दिए, बस शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पे जो मेरी फंक्शन है वो मेरी कंटिन्यूअस है। ठीक, अब तो 0 पे हम चेक कर लिए, अब इज इक्वल टू 1, अब इज इक्वल टू 1। तो अब हम चेक करेंगे 1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 0 पे चेक करना था, 1 पे चेक करना था, 2 पे चेक करना था। तो अब हम चेक करेंगे 1 पे। ठीक, हमें अब पॉइंट दिया है 1 पे, 0 पे तो चेक हो गया कि 0 पे मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। अब हमें चेक करना है 1 पे। तो चलिए अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं फंक्शन 1 पे। तो 1 पे चेक करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1, तो मेरा जब है यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स जब 1 के इक्वल है तब मेरे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, तब मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे तब जब एक्स के इक्वल है तब मेरे पास, 1 के इक्वल है तब मेरे पास फंक्शन एक्स दिया हुआ था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे x लिख देंगे। ठीक, अब x की वैल्यू यहाँ पे 1 दी हुई है हमारे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम 1 पुट करके आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा f 1 इज इक्वल टू 1। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में बस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जब मेरी फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू 1 रहती है तब मेरी फंक्शन की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, फंक्शन जो फंक्शन है मेरा
फंक्शन की वैल्यू मेरी चेंज होती रहती है। जब इज इक्वल टू हो जाता है तब मेरे फंक्शन की वैल्यू ऐसे क्वेश्चन में चेंज होती रहती है, ऐसे क्वेश्चन में मेरी फंक्शन की वैल्यू तब चेंज होती रहती है। ऐसे ऐसे जब भी क्वेश्चन रहता है और इज इक्वल टू बोल देता है तब मेरी फंक्शन की वैल्यू चेंज होती रहती है। देखिए वो चीज़ आपको हम इसमें बताएंगे, इसीलिए हम इस चीज़ को पहले नहीं बताया था कि जब करेंगे तब आपको बताएंगे, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए इज इक्वल टू वन है, ठीक वन है, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए अब हम अब आगे सॉल्व करेंगे तब आपको उस चीज़ को अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास लिमिट फंक्शन की वैल्यू, तो मेरे पास आ गई वन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू वन, वन से थोड़ी सी छोटी, वन से थोड़ी सी छोटी के लिए यहाँ पे माइनस लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स, ठीक, यहाँ पे अब लिमिट एक्स जो है वो मेरी एक्स टेंस टू वन है, ठीक है, वन है, यहाँ पे थोड़ी सी छोटी है वन से, ठीक। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे वन पुट कर देंगे, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा वन, ठीक, वन से थोड़ी सी छोटी के लिए हम बाकी के क्वेश्चन में एच लिए हैं तो इसमें भी एच लिख ले लेंगे, ठीक है। और इस एच को हम दिखाते हैं जीरो है, ठीक है, एच टेंस टू जीरो, एच जो है मेरा वो जीरो है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे दिखा दिए, एच जो है मेरा जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा फंक्शन, अब यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा वन माइनस जीरो इक्वल टू वन, ठीक है, वन में से जीरो माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा वन। तो देखिए यहाँ पे भी वन आ गया, यहाँ पे भी वन आ गया, ठीक है। अब जब हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर लिए, अब हम इसका सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक। तो राइट हैंड लिमिट करेंगे तब उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा जो चीज़ हम बता रहे थे वो चीज़ का। अब यहाँ पे देखिए आ गया, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू वन, वन वन प्लस, मतलब कि यहाँ पे देखिए वन से थोड़ा सा ज़्यादा, वन से कम में, वन से कम में तो मेरे पास वन आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर माइनस वन आएगा, फिर माइनस टू आएगा, तो वन से छोटे वाले में आ गया, ठीक है। और हमें बस बोला है कि वन और वन से इक्वल, वन वन से छोटा मतलब वन वन जो है वो एक्स से छोटा है और यहाँ पे उसके इक्वल है, तो यहाँ तक बस इक्वल वन ही तक तो आ रहा है, वन से बड़ा अब हमें जाना है। देखिए यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, हमें बोल दिया है कि वन से बड़ा मतलब वन से हम आगे जाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में बस हमें वन ही तक लिमिट दिया था, ठीक है, वन से आगे नहीं, बस वन के अंदर ही रहना है, मतलब इस साइड रहना है, इस साइड वन के नहीं आना है, ठीक। तो अब यहाँ पे वन से वन प्लस प्लस बोल दिया है, मतलब वन से अब हमें इस साइड जाना है, इस साइड जाने मतलब हमें, हम तो इस साइड अभी जा रहे थे, अब हमें बोल दिया प्लस प्लस मतलब वन से इस साइड जाना है। तो इस साइड जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड जाने के लिए अब देखिए इस जब हम वन से बड़े बजाते हैं तो मेरे पास दिया है वैल्यू यहाँ पे फाइव, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू तो दे दिया मेरे पास, फंक्शन दे दिया है फाइव, ठीक। तो अब देखिए अब यहाँ पे जब वन से बड़े पे आए हैं तो मेरे पास क्या बोल दिया है, यहाँ पे बोला है फाइव, वन से बड़ा मेरे पास आ गया है फाइव, देखिए एक्स फाइव से बड़ा है, ठीक है, ये जो x जो है वो 5 से बड़ा है तो 5 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 5 दे दी है। तो अब हम जब बड़े पे जाएंगे, बड़े पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यही चीज़ हम आपको बता रहे थे कि जब हम जब इक्वल में दिया रहता है तो फंक्शन की वैल्यू घटती बढ़ती मतलब चेंज होती रहती है। तो ये जब वन प्लस हो गया, वन प्लस हो गया तो अब यहाँ पे अब हम लिखेंगे लिमिट, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस, वन से बड़े में मेरे पास क्या था फाइव था, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा फाइव, ठीक है, वन से बड़ा, तो वन से बड़ा में मेरे पास फाइव दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम लिख दिए फाइव, ठीक है। तो ये मेरे पास, अब बताइए अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास वन चाहिए था लेकिन यहाँ पे आ गया वन से जब बड़े पे आए तो मेरे क्वेश्चन में दिया था फाइव, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं। यही चीज़ हम आपको बता रहे थे, जब इक्वल दिया रहता है तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है क्योंकि फंक्शन की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो देखिए जैसे यहाँ पे जब इक्वल में दिया था तो यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पे मेरे पास आ गई है फाइव, फंक्शन की वैल्यू देखिए यहाँ पे चेंज होके जब बड़ा हुआ है तो वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू फाइव हो गई है, और जब छोटा था तो फंक्शन की वैल्यू मतलब कि वन के अंदर ही थी, वन के अंदर थी मतलब वन के बाहर नहीं थी, जब बड़ा हुआ है तो वन के बाहर चली गई है, वन के बाहर चली गई है तो मेरे पास फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे फाइव दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू हम फाइव ले लिए हैं, ठीक। तो जब यहाँ पे फाइव ले लिए हैं तो मेरी जो फंक्शन थी ये मेरा जो ये जो जब हम एक्स वन पे चेक किए हैं तब ये मेरी फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गई है। तो यहाँ से अब हम इसको ये चीज़ बता देंगे कि जो लिमिट है, लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू लिमिट
लेफ्ट राइट हैंड, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट हैंड जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट थी और फंक्शन की वैल्यू थी, ये दोनों सेम थे, लेकिन जब मेरी राइट हैंड लिमिट निकालें तब मेरी 5 आ गई, तो यहाँ से ये नहीं सेम हुई। तो यहाँ पे x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ पे x टेंस टू 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे हैंस हैंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजक्ल डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इजक्ल टू 0। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस एफ इज नॉट, या फिर डिसकंटिन्यूअस लिख दीजिए, तो नॉट कंटिन्यूअस लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम नॉट लिखते हैं, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। 1 पे ये जो मेरी फंक्शन है, वो मेरी फंक्शन जो होती है कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गई है 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी फंक्शन जो 1 पे आई है, 1 पे मेरी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गई है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब इज इक्वल टू 1 आ जाता है, तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा कि फंक्शन की वैल्यू इसमें चेंज होती रहती है। और जब यहाँ पे जब छोटी रहेगी, तो छोटी में हमको साफ साफ यहाँ पे बोल रहा है, जब छोटी है तो मेरे पास तो फंक्शन एक्स दिया हुआ है, एक्स की यहाँ पे वैल्यू दी थी 0, तो 0 रख दिए हैं। और जब यहाँ पे हमारे पास जब इक्वल हुआ है, तो फंक्शन जब जब इक्वल हुआ है तब एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी सही हो गया है, 1 है। लेकिन जब यहाँ पे जब जब छोटी है तो ठीक है, छोटी है तो यहाँ से मेरे पास हो जा रहा है मेंटेन। लेकिन जब बड़ी होती है, क्योंकि जब छोटी है तो मेरे पास एक्स एक्स 1 के अंदर आ जा रहा है, लेकिन जब जब वो बड़ी होती है, तब मेरी जब फंक्शन की वैल्यू बड़ी हो रही है, ठीक है, 1 प्लस पे जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे मेरे पास 5 दिया हुआ, जब बड़ी है तो मेरे पास 5 दिया हुआ है, तब जब यहाँ पे हम फंक्शन एफ की जगह यहाँ पे हम 5 फिल कर रहे हैं, तब मेरा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए, हम 1 पे 0 पे चेक कर लिए हैं, 1 पे चेक कर लिए हैं, अब हम चेक करेंगे 1 पे 0 पे चेक किए हैं तो मेरा कांस्टेंट आया है, 1 पे चेक किए हैं तो नॉट कांस्टेंट आया है, अब हम चेक करेंगे अपने 2 पे, ठीक है। तो इसको 2 पे चेक करने के लिए यहाँ पे नाम दे देते हैं थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम दे दिए थर्ड, अब यहाँ पे हमको 2 पे चेक करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब हमें 2 पे चेक करना है, तो 2 पे चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम अपने फंक्शन देखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, 2 पर मेरा फंक्शन क्या है, तो देखिए एक्स 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 जब 1 से बड़ा है, तब मेरे पास 5 है, तब मेरे पास फंक्शन क्या है, 5 है, ठीक। तो हमको देखिए यहाँ पर एक्स जब 1 से बड़ा है, तब मेरे पास फंक्शन जो है वो 5 है, और हमें 1 से बड़ा है तो मेरे पास 5 है, ठीक। तो यहाँ पे फंक्शन हम लिख देंगे 5, ठीक, यहाँ पे फंक्शन लिख देंगे 5। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको देखिए आगे जब सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब इसमें हम एफ की जगह एक्स की जगह 2 रखेंगे, तब यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन है वो 5 ही आएगा। क्यों 5 आएगा, क्योंकि ये जो 2 है, ये जो 2 मेरा है वो कांस्टेंट है, ठीक, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मेरे पास 5 आएगा। यहाँ पे जब एक्स की जगह 2 रखेंगे, तब मेरे पास यहाँ पे 5 ही आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो फंक्शन की वैल्यू देखिए मेरे पास आ गई 5, ठीक है। जब एक्स जब 1 से एक्स जब 1 से बड़ा है, तब मेरे पास फंक्शन की वैल्यू 5 है, और हमें चेक करना है 2 पे, तो 2 जो है 1 से बड़ा ही है, 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास 2, 2 इज इक्वल टू 5, फंक्शन की वैल्यू है 5। तो ये मेरी जो फंक्शन की वैल्यू जो 2 दी है, ये मेरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो 5 है। तो ये इसी तरह फंक्शन की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम अपना निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो चलिए हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट 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 एक्स टेंस टू 2 माइनस, 2 माइनस के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे एक्स टेंस टू 2 माइनस, ठीक है, 2 से थोड़ी सी छोटी, जब ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है 2, तो 2 5 जो है वो मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आ गया 5। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो वो भी मेरा 5 आएगा, जब कांस्टेंट है तो 5 ही आएगा, और क्या आ सकता है। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू एक्स टेंस टू 2 प्लस, और यहाँ पे मेरे पास 5 है, तो यहाँ पे मेरे पास 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी मेरे पास 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 मेरा कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो मेरे फंक्शन की वैल्यू 5 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आई है, राइट हैंड लिमिट भी 5 आई है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू 2, यहाँ पे लिख देंगे हैंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे,
तो मेरा देखिए वन पे जो मेरा था वो कंटिन्यूअस था, ठीक, वन पे मेरा कंटिन्यूअस था, और यहाँ सॉरी वन पे नॉट कंटिन्यूअस था, जीरो पे कंटिन्यूअस था और टू पे मेरा कंटिन्यूअस था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5th मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, पेपर एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्लास टेस्ट में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से अच्छे से देखिए और अच्छे से। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 6 में क्या दिया हुआ है, एक्स जब यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेरे पास तीन फंक्शन, इस क्वेश्चन में मेरे पास तीन केस बनेगा। कौन कौन सी केस बनेगी, केस आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले इसका केस देखिए कौन कौन सी केस बनेगी। तो देखिए यहाँ पे केस फर्स्ट इसकी बनेगी कि जब एक्स जब है जो एक्स है एक्स जब टू से छोटा है एक्स जब टू से छोट एक्स एक बनेगा एक्स जब टू से छोटा है तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू दी है 2x+3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स जब टू से छोटा है तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू दी है 2x+3। पहला केस तो ये बनेगा। दूसरा केस ये बनेगा कि एक्स जब टू के इक्वल है तब भी मेरे पास फंक्शन है 2x+3, ठीक है। और मेरे पास नहीं, इसमें थोड़ी सी फंक्शन इसमें फंक्शन चेंज होगी। जैसे हम आपको क्वेश्चन 5th में बताए थे कि वन पे मेरी फंक्शन जो चेंज हुई थी, उसी तरह इसमें भी जब ये इक्वल में है तो इसमें मेरी फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी, ठीक। और यहाँ पे देख लीजिए ये केस, एक केस ये हो गई, एक केस ये हो गई, एक केस ये हो गई कि एक्स जब टू से बड़ा है तब मेरे पास फंक्शन ये दी हुई है। मतलब कि एक्स जब मेरे टू से छोटी है तब मेरी फंक्शन ये दी हुई है 2x+3, और एक्स जब टू से बड़ा है तब मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है 2x-3, और जब इक्वल है तो हम आपको बताएंगे कि इसकी फंक्शन की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में तीन केस बनेंगे, तो हम तीनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें एक और बात है कि जब टू से जब छोटी है, जब यहाँ पे हम बता देते हैं जब टू से छोटी है, यहाँ पे एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ये चीज़ हम अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए हैं, इसमें एक बार और बता देते हैं आपको, ठीक। जब देखिए यहाँ पे टू जब छोटा है तो यहाँ पे सारी वैल्यू इसकी यहाँ पे आएगी, 2 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 0 आएगी, फिर यहाँ पे -1 आएगा, फिर यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। जब छोटा है तो यहाँ पे सारा आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आएगा। तो यहाँ पे जब छोटे के लिए यहाँ पे आएगा, तो इसके लिए हम एक नंबर ले लेते हैं, रियल नंबर ले लेते हैं, जो रियल नंबर का हम नाम दे देते हैं यहाँ पे सी, ठीक है। तो टू से जब छोटे के लिए हमारे पास फंक्शन ये है 2x+3, ठीक है। तो इसके जब छोटे के लिए हम एक नाम दे दिए हैं, यहाँ पर रियल नंबर ले लिए हैं सी, ठीक, छोटे के लिए हम ले लिए हैं सी, और बड़े के लिए भी इसी तरह हम ले लेंगे। यहाँ पे बड़े में भी फाइंड करना है कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, तो यहाँ पे जब टू के जब बड़ा रहेगा तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तब भी यहाँ पे जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ले लेते हैं हम सी, ठीक है, एक्स की वैल्यू सी ले लेते हैं, जब छोटा है तब भी सी और जब बड़ा है तब भी सी, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे, इस चीज़ को हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए हैं, और ये चीज़ हम आपको यहाँ पे भी बता दिए हैं कि ठीक है हम यहाँ पे सी लेंगे, ठीक है। जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय सी लेंगे तो आप लोग उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक। बाकी ये चीज़ तो आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें तीन केस बना है, तो तीनों केस को अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस मेरा क्या है, फर्स्ट केस है मेरा यहाँ पे तो कोई एक पॉइंट दी हुई नहीं है, ठीक। तो उसके लिए हम यहाँ पे सी ले लिए हैं, एक्स की जो वैल्यू एक्स जो लिए हैं वो एक्स की जगह अब हम सी ले लिए हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको सॉल्व करेंगे तो बाकी और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेट, यहाँ पे हम लिख देंगे लेट एक्स, लेट फर्स्ट केस हम इसका लिए हैं, ये वाला केस लेके अब हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। लेट यहाँ पे वो चीज़ लिख देते हैं तो आप लोग कन्फ्यूज होने लगेंगे। यहाँ पर लिख दिए केस फर्स्ट के लिए हम फॉर ऑल एक्स यहाँ पे जब छोटा है तो मेरे पास 2 है, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए, ये वाला फर्स्ट केस लेके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट सी बी अ रियल नंबर, ठीक, सी बी अ रियल नंबर, एक रियल नंबर ले लिए हैं जो रियल नंबर मेरी सी है, ठीक है। यहाँ पे नंबर सी है सी, ठीक, ये चीज़ मेरी हो गई। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक।
तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमें एफ, अब देखिए यहाँ से अब आपको अच्छे समझ में आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू यहाँ से हम लेते हैं 2x+3, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 2 ले लिए हैं, ठीक, तो x की जगह हम c रखेंगे क्योंकि हम c लिए हैं, एक रियल नंबर है जो कि, ठीक है, तो यहाँ पे f और यहाँ पे हो जाएगा c, तो यहाँ पे हो जाएगा 2c+3, तो मेरे फंक्शन की वैल्यू ये आ गई 2c+3, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आ गई 2c+3, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाकी क्वेश्चन में तो हमें एक पॉइंट दे रहा था, उस पॉइंट से हम ले लेते हैं कि यहाँ पे जैसे दे दिया था पिछले पिछले क्वेश्चन में दिया था कि हम जीरो लेकर करें, तो वहाँ पे हम जीरो ले ले रहे थे, फिर उसके एक क्वेश्चन में दे रहा था 1 लेकर करिए, फिर 2 लेकर करिए, इस तरह से क्वेश्चन में हमको दे रहा था, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसमें नहीं दिया हुआ है तो हम सी ले लिए हैं, ठीक है, सी जो कि एक रियल नंबर है, ठीक है, तो सी एक रियल नंबर है तो इसको यहाँ पे सी ले लिए हैं, ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आ गई, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू सी, और यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू सी, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू सी, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास एक बार इस चीज़ को लिख देते हैं, फंक्शन की वैल्यू 2x+3, फिर यहाँ पे हम सी को यहाँ पे डाल देंगे एक्स की जगह, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स की जगह सी लिख देते हैं, तो 2c+3, ठीक है, और यहाँ पे एक्स टेंस टू सी, ठीक, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू भी 2c+3 आई है, ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2c+3 आई है, और इसी तरह मेरी राइट हैंड लिमिट भी 2c+3 आएगी, ठीक है, तो हम बस लेफ्ट हैंड लिमिट से ही जाएंगे कि 2c+3 आया है, फंक्शन की वैल्यू भी 2c+3 आया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो देखिए अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लिमिट एफ एल जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है और फंक्शन की वैल्यू जो है वो मेरी इक्वल है, तो यहाँ पे ये चीज़ हम लिख देंगे कि लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास लिमिट एक्स टेंस लिमिट सॉरी यहाँ पे हो जाएगा लिमिट और यहाँ पे हो जाएगा एफ सी, जो मेरी लिमिट है लिमिट एफ एक्स है वो फंक्शन के इक्वल आ गई है, जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो मेरी फंक्शन के इक्वल आई है, यहाँ पे देखिए ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है ये मेरी फंक्शन के इक्वल आई है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू जो है वो मेरी फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आई है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो मेरी फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक, यहाँ से ये हम कह सकते हैं जो मेरा केस फर्स्ट था एक्स जब मेरा 2 से छोटा है तब मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, इसी तरह हमको राइट हैंड लिमिट भी निकालना है, तो बस हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के दिखा दिए हैं, आप लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिएगा, ठीक है, और इसी तरह लिख दीजिएगा तीनों को यहाँ पर लिख कर दिखा दीजिएगा कि ये तीनों जो है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों मेरी इक्वल है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो मेरा कंटिन्यूअस। तो अब हम देखिए केस फर्स्ट में हमें जो एक्स से छोटा था 2 और यहाँ पे केस सेकंड में एक्स के इक्वल है 2, ठीक है, तो मेरा केस सेकंड क्या था, केस सेकंड में एक्स जो है वो 2 के इक्वल था, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं केस सेकंड जो है मेरा यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 2, जो मेरा केस सेकंड में जो हम देखे थे कि एक्स जो है वो 2 के इक्वल है, ठीक, तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको बहुत ध्यान से हम सॉल्व करेंगे क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, यहाँ पे लिमिट एफ फंक्शन की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू सॉरी सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या दी थी, जब इक्वल रहेगा तब मेरे पास क्या था 2x+3, ठीक है, जब इक्वल रहेगा तब भी मेरे पास 2x+3 है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, अभी तो यहाँ पे तो फिलहाल 2x+3 है लेकिन आगे जो है वो मेरी फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो जब 2x+3 है, ठीक, तो यहाँ पे मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम 2 रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4, 4+3, देखिए कुछ इस तरह से 2 और यहाँ पे रख देंगे 2+3, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 2 × 4, 4+3, 7, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आ गई मेरी 7,
ठीक है, तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू तो आ गई 7। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू, मेरे पास यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो हम 2 लिख लेते हैं। ठीक है, 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो 2 से थोड़ी सी छोटी के लिए हमारे पास क्या दिया था, 2x+3, यही चीज मेरे पास दिया था ना, जब उसके इक्वल है तब भी मेरे पास यही फंक्शन दिया हुआ था, और जब उससे छोटी है तब मेरे पास ये फंक्शन दिया हुआ था। ठीक है, कि 2x+3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 2, 2 से थोड़ी सी छोटी, और यहाँ पे हो जाएगा 2x+3। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, 2 से थोड़ी सी छोटी के लिए हम क्या बाकी क्वेश्चन में जैसे हम एच लेके करते थे वैसे इसमें भी ले लेंगे एच, तो 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा एच, 2 माइनस एच। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा +3, और जैसे हम यहाँ पे दिखा देते थे कि लिमिट जो एच है वो 0 है। ठीक है, एच टेंस टू 0, एच जो है मेरा 0 है, तो यहाँ से बाकी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 0 प्लस 3, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 2 है, माइनस है एच है, +3, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा अंदर, अरे सॉरी बाहर भी तो 2 है मेरे पास, यहाँ पे भी मेरे पास तो 2 है, यहाँ पे भी तो मेरे पास 2 है। ठीक, तो यहाँ पे भी मेरे पास 2 हो गया, तो 2 में से जब हम 0 माइनस करेंगे तब मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4, 4 में 3 ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो मेरी फंक्शन की वैल्यू आ गई है, मेरी फंक्शन की वैल्यू आई है मेरी 7। देखिए यहाँ पे हम आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ पे क्योंकि बाद में 2 लिखे हैं तो इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा था 2x+3। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक्स जो था वो 2 से थोड़ी सी, जो 2 है वो थोड़ी सी छोटी है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख दिए 2, ये चीज़ यहाँ पे लिख दिए 2, और एक्स की जगह हम 2 लिख दिए। अब यहाँ पे माइनस साइन था मतलब थोड़ी सी छोटी के लिए हम यहाँ पे एच ले लिए हैं, और फिर +3। ठीक है, तो यही चीज़ हम इसमें 2 लिखे थे, तो यही चीज़ हमको बताती हैं कि ये टू क्या है और ये 2 क्या है। जो ये मेरी जो हमारे 2 था, 2x+3 था, तो वो हम 2 लिख दिए, और फंक्शन ये यहाँ पे x टेंस टू 2 था वो 2 लिख दिए। फिर 2 से थोड़ी सी छोटी भी वैल्यू लिखना था हमें, तो 2 से थोड़ी सी छोटी के लिए हम h लिख दिए यहाँ पे +3, तो ये मेरे पास हो गया इस तरह 7 आ गया। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू भी मेरी 7 आ गई है, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरी 7 आई है। अब हम आपको राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 2+, अब 2+ हमारे पास क्या था, 2 से छोटे के लिए फंक्शन था, और 2 के इक्वल के लिए फंक्शन था, और 2 से जब मेरे पास बड़ा हो जाता था तब उसके लिए मेरा फंक्शन क्या था, उसके लिए मेरे पास फंक्शन था 2x-3। 2x-3, देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे आए हैं तो इसलिए हम क्वेश्चन नहीं उतारे थे, लेकिन आप जब फंक्शन देखेंगे तो वहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बार ऊपर तो आप लोग कंफ्यूज होने लगेंगे। देखिए मेरे पास फंक्शन क्या था, मेरे पास फंक्शन था 2, यहाँ पे था 2x+3 इफ़ एक्स इज इक्वल टू एक्स छोटे के लिए और उसके इक्वल के लिए, लेस के लिए और उसके इक्वल के लिए मैं फर्स्ट 2 था, और यहाँ पे मेरे पास था 2x-3 इफ़ जब ये ग्रेटर रहेगा तब मेरे पास 2 था। तो छोटे के लिए मेरे पास यही वाली फंक्शन थी, लेकिन जब ये 2 बड़ा हो जाता है तब मेरे पास फंक्शन आती है 2x-3। यही मेरा क्वेश्चन था, और यहाँ पे एफ एक्स था। ठीक है, फंक्शन जब मेरे पास बड़ा हो जाता है तब मेरे पास 2x-3 हो जाता है, और जब मेरे पास छोटा रहता है उसके इक्वल रहता है तो 2x+3 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ है, यहाँ पे जब 2 मेरा बड़ा हो गया है, अब देखिए यहाँ पे 2 मेरा जो 2 है वो बड़ा हो गया है, मतलब कि अब 2 के इधर आना है, अब हमें 2 के इधर जब हमें 2 के इस साइड आना है तब मेरे पास फंक्शन क्या है, 2x-3, और 2 के जब हमको इधर इस साइड रहना था, इधर साइड रहना था, तो मेरे पास फंक्शन था 2x+3, और जब उसके इक्वल रहना था तब भी मेरे पास फंक्शन था 2x+3। जब यहाँ पे 2+ हो गया है, 2+ मतलब बड़ा, 2+ मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा, तो थोड़े से बड़े के लिए अब हमें लेना पड़ेगा 2x-3। ठीक है, तो यही चीज़ हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप लोग ऐसे जब इक्वल में रहता है क्वेश्चन तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें फंक्शन की वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है, मतलब यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 2+, ठीक है, 2+ हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फंक्शन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे,
एक मिनट, यहाँ पे एफ एक्स लिख देते हैं। अब यहाँ पे बताइए, अब हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे हम फंक्शन जब प्लस हो गया तो फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे 2x-3। ये चीज़ हम लिख देंगे यहाँ पे, ये चीज़ लिख देंगे 2x-3। जब बड़ा हो गया है तो हम लिख दिए हैं 2x-3, और जब छोटा था तो 2x+3 लिख रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ तो मेरी हो गई। अब इसमें हम, अब इसको हम जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, और x के लिए, x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2, और उससे थोड़ी बड़ी के लिए, अब उससे थोड़ी सी बड़ी के लिए यहाँ पे मेरे पास h हो जाएगा। जैसे बाकी को क्वेश्चन में रखते थे वैसे यहाँ पे भी रख देंगे h, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा पास -3 था, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ -3 है तो यहाँ भी -3 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ h जो है वो 0 है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मेरे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको हम लिख देते हैं 2 प्लस h जो है हमारा 0 है, और यहाँ पे 3, यहाँ पे मेरे पास आ गया 1। टू देखिए 2 प्लस 0 मेरे पास 0 हो जाएगा। 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में 2 प्लस 0, 2 में जब हम 0 ऐड करेंगे तो मेरे पास 0 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 1। एक बार और देखिए, यहाँ पे हम क्या बताए हैं, 2 में, 2 में पहले 0 ऐड करेंगे तो मेरे पास, 2 में 0 ऐड करेंगे तो मेरे पास 2 रह जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 4 आ जाएगा, 4 में 3 माइनस कर देंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं जो मेरी फंक्शन है, यहाँ पे जब हम 2 = 2 पे चेक किए हैं तो मेरा डिसकंटिन्यूअस हो गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि हेंस पॉइंट, एक मिनट पहले हम ये चीज़ तो आपको दिखा देते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका, इसके लिए हमें दिखाना पड़ेगा लिमिट एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट एफ एक्स। तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो मेरे राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई है, 2+। ठीक है, जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेंस पॉइंट, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, ये जो मेरा फंक्शन है वो फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे लिख देंगे डिसकंटिन्यूअस, ये मेरा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, 2 पे जो ये मेरा फंक्शन है वो मेरा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो ये देखिए, केस सेकंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे इसका केस थर्ड। तो अब हम इसका सॉल्व करेंगे केस थर्ड। तो केस थर्ड में मेरे पास क्या था, केस थर्ड मेरे पास था फॉर ऑल एक्स टेंस एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, जो मेरा केस थर्ड था वो था x ग्रेटर देन 2। तो जब मेरे पास x, जब मेरे पास 2 से बड़ा रहेगा तब मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास 2x-3। ठीक है, तब यहाँ पे अब हम लिख देंगे, यहाँ पे अब हम लिखेंगे, अब हमें बड़ी के लिए भी हम बताए थे कि c लेंगे, c एक रियल नंबर मान के हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हम c यहाँ पर लिख लेंगे, लेट यहाँ पे c बी अ रियल, रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, सी को हम एक रियल नंबर मान लिए हैं, रियल नंबर मानकर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-3 है, 2x-3 है, जब बड़ा है तो मेरे पास 2x-3 है तो 2x-3 लिख लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट लेना था, उस पॉइंट को हम सी मान लिए हैं। ठीक है, अब बड़ा है तो हम उसमें क्या लें, बड़ा के लिए हम एक रियल नंबर, रियल मतलब रियल नंबर ले लिए हैं, उस रियल नंबर को नाम दे दिए हैं सी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट एट, जैसे हम एट 1, 2, 3 रहता था वैसे ही यहाँ पे तो पॉइंट दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम सी ले लिए हैं, सी ले लिए हैं। तो यहाँ पे बाकी जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे अब हम, जैसे इसका फर्स्ट केस सॉल्व किए थे वैसे इसका थर्ड केस सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा, अब हम ये देखिए इसका फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू मेरी आ जाएगी एफ, यहाँ एक्स की जगह सी रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2c-3। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई मेरे पास 2c-3। अब इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू c। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2x-3 था तो इसको रख दिए। अब यहाँ पे हम फंक्शन की, अब यहाँ पे हम c, अब c रख कर लेते हैं आगे सॉल्व। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा लिमिट
एक्स टेंस टू सी, और यहाँ पे हो जाएगा सी की जगह एक्स की जगह सी रख देंगे तो 2c-3। तो ये मेरी आ गई फंक्शन की, ये मेरी आ गई लिमिट की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आ गई फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसी तरह हमको राइट हैंड लिमिट भी निकालना है, तो इस तरह आप राइट हैंड लिमिट लिख दीजिए, निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं कि एफ, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लिमिट, इस चीज़ को हमें लिखना पड़ रहा है, लिमिट फंक्शन की जो एफ एक्स जो है वो उस, मतलब लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, फंक्शन की वैल्यू जो है वो मेरी इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के। ठीक, तो ये चीज़ हम दिखा दिए, एक्स टेंस टू सी, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और फंक्शन की वैल्यू है ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक्स जब 2 से बड़ा है तब मेरे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस, हेंस एफ इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फॉर आल, यहाँ पे फॉर ऑल एक्स टेंस टू, जब ये बड़ा रहे तब मेरे पास फंक्शन की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कंप्लीट हो गया।